गरीब आदमी वो कैसे खाएगा 120 रुपए? ये गलती किया उठाइए कितना रेल नहीं रहा टका। तो ये वेज थाली, इसमें एक है आलू वेज थाली 120 कर रहे थे इसी पे मारा कैमरा चला गया था। जल्दी करो यार काम, सोना है। ट्रेन नंबर 12311 नेताजी एक्सप्रेस, जिसको लॉन्च किया गया था इन ईयर 1866 एंड दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन इन इंडियन रेलवेज। और आपको पता है ये ट्रेन वेस्ट बंगाल के हावड़ा को हरियाणा के कालका से कनेक्ट करती है और ये ट्रेन 1707 किलोमीटर 58 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ कवर करती है। और आज अपन लोग इस कालका मेल में जर्नी करने वाले हैं। और आपको पता है पहले इस ट्रेन का नाम कालका मेल था, लेकिन पिछले साल 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 124th बर्थ एनिवर्सरी पे इसका नाम चेंज कर दिया गया कालका मेल से नेताजी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। तो अभी अपन लोग आ चुके हैं हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर और अपनी नेताजी एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर। और आज इसमें अपन लोग ट्रेवल कर रहे हैं थर्ड AC में, कोच है अपना B1 और साथ में भाई पीयूष भाई आए हुए हैं मिले छोड़ने हम लोगों को ट्रेन में, और मोनू भाई भी है, लेकिन मोनू भाई जर्नी का व्लॉग नहीं बना रहे नेताजी का, क्योंकि LHB होगा तब बनाएंगे। उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि भाई कालका मेल को मतलब नेताजी एक्सप्रेस को LHB मिल जाए, हाँ उसके बाद मोनू भाई जर्नी करेंगे। तो इसके बाद मोनू भाई की वीडियो का इंतजार मत करना, ठीक है? अपडेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब रिक्वेस्ट डालना होगा यार, करो यार LHB बहुत दिन हो गया इसका, आप रिक्वेस्ट डालो भाई रेलवे को, तब मोनू भाई करेंगे नेताजी में जर्नी। एक बार तो जर्नी किए, क्या हुआ पता ही है, पता ही है भाई, वो भूलने वाला चीज नहीं है। चलो भाई भाई, तो अपने निर्धारित समय से डिपार्चर हो चुका है अपना हावड़ा जंक्शन से। तो अपने निर्धारित समय से अपनी ट्रेन निकल चुकी है हावड़ा जंक्शन से। अब आपको इस नेताजी एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो डेली रात में 9:55 पे निकलती है हावड़ा से और तीसरे दिन सुबह 3 बजे पहुंचा देती है कालका। क्या खाना? वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी। और थाली वगैरह नहीं है? थाली वगैरह कल मिलेगा। चलो चलो ठीक है, फिर कल ही देखते हैं, ठीक है? पंचानवे किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं अभी अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे वर्धमान जंक्शन, जो कि ओपन हुआ था इन ईयर 1855 और ये रेलवे स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल के पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और इस रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। और वही रात का टाइम हो गया यार, अभी मतलब 9:55 पे तो अपनी ट्रेन निकली हुई है, 11 बज चुका है। चलो अब सोते हैं और सुबह जब भी नींद खुलेगी वहाँ से कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। वैसे तो हम बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आज मोनू भाई हैं तो मोनू भाई से बैटिंग करवा रहे हैं। मोनू भाई लगे रहो, जल्दी करो यार काम, सोना है भाई, तरीका होता है, तरीका है, तरीके से ऐसे ऐसे करते हैं, डांस करते हैं, ऐसे बिछाते हैं। सर मार गिरे मार,
निर्धारित समय से आधा घंटे की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवे के टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी शामिल है। और यहाँ पर राजधानी दुरंतो जैसी सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। और यहाँ का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लीट हुआ था इन ईयर 1965। और अपनी नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर ब्रेकफास्ट वगैरह ढंग का मिल जाता है तो लेते हैं, बाकी नहीं तो ट्रेन में भी हम देख रहे थे ब्रेकफास्ट वगैरह बिक रहा है जो पेंट्री में ही बना हुआ है, या तो फिर उसको ट्राई करेंगे। भाई यहाँ पर तो वही है, देखो समोसे वगैरह बिक रहे हैं, समोसे ब्रेड ऑमलेट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी सुबह अभी यहाँ पर नाश्ते में। बाकी चलो देखते हैं अभी ट्रेन की पेंट्री से ही लेंगे कुछ। S5 में हाँ निकल जाइए अंदर से। ब्रेड कटलेट है, ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट। तो अभी ब्रेकफास्ट में ट्रेन की पेंट्री से ही लिया है ब्रेड ऑमलेट, वैसे गरम तो नहीं है, चलो टेस्ट करते हैं। वैसे बता रहे हैं सुबह बना हुआ था 7 बजे इसलिए गरम नहीं है, टेस्ट करते हैं कैसा है। इसके साथ में दिया हुआ है टोमेटो केचप। मोनू भाई उठ गए हैं लेकिन मोनू भाई की तबीयत नहीं है ठीक, इसलिए कुछ नहीं खा रहे मोनू भाई। क्या क्या सो जाओ उड़ के। ये चद्दर किसने गिरा दिया? हाँ, तो नहीं गिरा किसका पता नहीं यार। भाई ऊपर की साइड भी बैठे थे, इतना अंधेरा सा हो रहा ऊपर, देखो यार उजाला ही नहीं है बिल्कुल। ICF में यार यही दिक्कत है, अंधेरा बड़ा रहता है। ट्रेन में ब्रेड ऑमलेट है, कटलेट है, उसके साथ में ये ब्रेड पकौड़ा वगैरह भी है, बट भाई वही ऑयली ऑयली रहता है इसलिए लिया नहीं। और उसका ऑमलेट का टेस्ट ठीक ठाक ऐसा होता है यार ट्रेन में, एकदम सादा सिंपल। निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1865। कॉपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और बात करें इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की तो दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर यह रेलवे स्टेशन लोकेटेड है। अपनी नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का स्टॉप है। कंटिन्यू करने से पहले आज हम आपको एक साइट के बारे में बताना चाहते हैं जिस पर आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। और इसी साइट पे हम लोगों ने गेम खेलकर एक ये स्पीकर भी जीता है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर आप लोग गेम खेल सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं लाइसेंस साइट foravit.com पे, जहाँ पर आप पैसे कमा सकते हो गेम खेलकर। तो चलिए हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम अभी बैट करते हैं 1200 रुपए से। और जितना ज्यादा इसमें प्लेन टेक ऑफ करेगा, जितना ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा हम लोग पैसे अर्न करेंगे। और पैसों को सही टाइम पे कैश आउट भी करना होगा, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। और यस, अभी हम लोगों ने जीत लिए 3264 रुपए। चलो एक बार और यहाँ पर बैट करते हैं, इस टाइम इस बार तो कुछ नहीं मिला, चलो कोई नहीं एक बार और बैट करते हैं और ऊपर। और यस, इस बार हम लोगों ने जीत लिए हैं 8400 रुपए। तो टोटल अभी हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं 12664 रुपए, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में। हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके अभी आप लोग खेलना शुरू करें और पैसे भी अर्न करें foravit.com पर। बहुत देर से ढूंढ रहे हैं आप, थोड़ी ना उधर चले गए, इधर से गए। नहीं नहीं, आप निकल गए होंगे तब हम होंगे कहीं।
क्या हुआ, एक से पूछा तो कह रहा है ही नहीं है, है। जो मतलब सादा चाय वाला है ना वो अपनी चाय के चक्कर में वो बोलेगा तो कि हम पीले में मरे अपनी चाय के चक्कर में ले लो आप नहीं पी रहे। जिंजर टी फाइनली। वैसे अभी और जो चाय वाले हैं ना जो नॉर्मल चाय बेचते हैं रेडीमेड वाली, उनसे पूछा कि है या नहीं है ट्रेन में, तो ऐसे इनसे भैया से बात हो रही है, हमने ये पूछ रहे हैं तो मना कर दिया कि है ही नहीं है। अनिल देखो अभी ये जा रहा है, आप बैठ जाओ साइड में, उसके इनसे पूछेंगे चाय है तो मना कर देंगे नहीं ये वाली पैकेट वाली नहीं है। कह रहा है ये जो जा रहा है ये तो सबसे पहले कहेगा नहीं है। चलो पीते हैं। सही है, सुबह सुबह जिंजर टी अदरक वाली चाय, मज़ा भाई इसी में है सुबह सुबह। भाई अभी आ गया नैनी ब्रिज, ठीक है, उसके बाद निकल रहा था हमने, चलो अंदर चलते हैं मोनू भाई के पास। हम यादें ताजा हो रही, मोनू भाई उठ के बैठ गए, याद आया भाई हम देख रहे थे पर कुछ दिख तो नहीं रहा है। कोई नहीं है यार, अभी तो ट्रैक का काम भी चल रहा है ना, तो जिन लोगों को नहीं पता हो या भूल गए तो बता दें जब लास्ट टाइम मोनू भाई ने इस ट्रेन में ट्रैवल किया था इसी ब्रिज पे, कैसे हाथ मारा था? बस ऐसे निकाले रहे थे बाहर, ले रहे थे, कवर कर रहे थे, इसी पे मारा। कैमरा चला गया था मोनू भाई इसी ब्रिज पे, कैमरे से कर रहे थे। गोप्रो था, एट गोप्रो नाइन था तो ऐसे निकाले था, गिर गया था पानी में, चला गया था भाई इस ट्रेन में। लास्ट टाइम जब आए थे मोनू भाई तो यहीं कांड हुआ था, हम ये यादें ताज़ा कर देते हैं। क्या बताएं बहुत दिक्कत होता है, पूरा वीडियोस वगैरह उससे पहले की भी जो थी सब चला, दो ट्रेन जर्नी था पूरा सब चला गया था। मतलब कैमरे का नुकसान अलग, कंटेंट का अलग, कैमरा ज्यादा तो कंटेंट था भाई। खाने में क्या वेज मिल है नॉन वेज मिल? वेज का वेज थाली कितने में तक है? तो ही बोल रहा है यही बोल रहा है, वेज थाली लिख लो कितने में है? 55 नाश्ता भी था, नाश्ता भी था वो था ना अपना निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग प्रयागराज जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1859 और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हुआ इन ईयर 1966। और इस रेलवे स्टेशन की अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री ऐसी सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। और अपनी नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। जल्दी आ जल्दी भाई, ट्रेन चल गई, केले लिए अभी, केले खा रहे थे बस, ट्रेन चल गई, चलो। तो अभी दोपहर का बज रहा है करीब 12:30 और लंच का हमने ऑर्डर दिया था पेंट्री से ही, तो अपना लंच आ चुका है। और वेज थाली हमने ऑर्डर की थी, तो ये है वेज थाली, इसमें एक है आलू छोले की सब्जी, दाल फ्राई, मटर पनीर की सब्जी है एक, अचार, चावल और दो पराठे, और पराठे गरम है और खाना भी थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह थोड़ी गर्म है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं छोले आलू, खट्टा पानी है। खाओ खाओ खीर खाओ।
हल्का सा खट्टापन है छोले आलू में, लेकिन टेस्ट अच्छा है। अब देखते हैं दाल फ्राई, दाल फ्राई का टेस्ट भी भाई बढ़िया है। आखिरी चीज मटर पनीर। गुड़ का खीर खाया है? गुड़ का खीर तो वही लग रहा है एकदम बिल्कुल। भाई खा लो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हैं। मटर पनीर का भी टेस्ट एकदम बढ़िया है, और बिल्कुल जैसे समझ लो राजधानी वगैरह में जो क्वालिटी मिलती है ना खाने की, थर्ड एसी सेकंड एसी बिल्कुल वैसा खाना है। तो आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो खाना इसका आप खा सकते हो, अच्छा टेस्ट है। और अभी जो स्टाफ ऑर्डर ले रहे थे तो आपने देखा, उनको बताया था उनने 120 रुपये है थाली का प्राइस, लेकिन आपको पता है वेज थाली 80 रुपये की मिलती है। जब बिल मांगेंगे तो भाई ऑटोमेटिक अपन को सही प्राइस मिल ही जाएगा। चलो फटाफट, और दही भी नहीं है इसमें तो खैर, ये बोलते हैं अभी आएंगे ना, तो एक तो दही नहीं है और से प्राइस भी ज़्यादा बताइए। नहीं है रुपया कितना हुआ? 120 रुपया। और नाश्ते का? नाश्ते का 50 रुपया। 120 रुपया कैसे? खाने का 120, ब्रेड आमलेट का 50। दही दिया खाने में? खाने में दही दिया। क्यों इधर तो यार? हाँ जा रहे हो, हाँ दही तो दिया नहीं खाने में, वैसे थाली में दही रहता है। रहता है लेकिन नहीं है ना। नहीं है, उसके बाद भी पैसा पूरा मांग रहे हो? ज़्यादा मांग रहे हो? नहीं ज़्यादा का। बिल है गाड़ी में? बिल जाएगा, बिल यही है खाने का। सारे समय से एक घंटे की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग कानपुर सेंट्रल, और यहाँ पर अपनी नेताजी एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है। और अभी आपने देखा भाई स्टाफ क्या हुआ यहाँ पर कोच में, आसपास के पैसेंजर से हमसे भी पैसे मांग रहे थे जो भी मतलब खाने पीने का था। उनको वैसे बोला हुआ था कि बाद में इकट्ठा पे करते हैं, लेकिन आ गए तो अभी चलो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड वेज मील 80 रुपये का ये बिल, नेताजी एक्सप्रेस का, और साथ में एक ये नॉन वेज ब्रेकफास्ट जो ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट मंगाया था ना उसका 50 रुपये का ये नेताजी एक्सप्रेस का। समय से एक घंटे 23 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग इटावा जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। टोटल यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, और अपनी नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और अभी आपने देखा भाई बिल हमने मांगा तो बिल आया, और उसके बाद 80 रुपये का आया। मशीन का बिल जो होता है ना वो उतना ही निकलता है, वो एक्स्ट्रा निकाल ही नहीं सकता। कि अगर ये सोचें 120 का निकाल दें 150 का निकाल दें, वो नहीं होता उसमें। 80 रुपये स्टैंडर्ड थाली, जो वेज थाली का रेट है 80 का ही निकलेगा, वही निकला।
फैक्ट्री से वाह हाँ फैक्ट्री से ये एल्यूमिनियम ये क्या होता है कितने सही है 30 रुपये 30 का 2 अच्छा ये रेलवे अप्रूव है क्या हाँ ये कई रेट है रेट से मतलब नहीं ना रेलवे अप्रूव्ड है ये सही है समोसे नहीं कैंटीन से समोसे गरम कैंटीन से हाँ ताजा गरम समोसे प्रिंट है इसमें ठीक है पीके तो देखो कैसे ऐसे कैसे पी सकते हो रेलवे का लिया दे रहा हूँ रेलवे ने ला तो फिर ये बेच कैसे रहे हो दोनों हैं आप बताइए स्लीपर जनरल में है ये पिलाएंगे मतलब एक तो 20 रुपए की ऊपर से लोकल पानी 20 रुपए हमने आपसे लिया नहीं सर वहाँ तो लोगे ना वहाँ कौन सा छोड़ दोगे वहाँ तो रेल नीर भी 20 की ही देते हो जनरल स्लीपर में पता है गरीब लोग जर्नी करते हैं 5 रुपया 10 रुपया उसके लिए बहुत मैटर करता है भाई उसको तुम ये 20 रुपये में पिलाओगे बताओ कैसे काम रेल नीरी 20 के पिलाते हो रेल नीरी 20 का पिलाते हो कानपुर सेंट्रल निकला 10 मिनट ट्रेन खड़ी थी कानपुर से पानी बोर्ड नहीं हो पाया इतना पानी रखा आपको अभी क्या जरूरत है ये पानी नहीं चल पाएगा दिल्ली तक नहीं चल पाएगा दिल्ली तक अगर मान लीजिए नहीं चल पा रहा तो पहले इसको खत्म करिए ना आप तो बोल रहे अभी ये क्या बोले वहाँ पर मैनेजर साहब आप क्या बोले कि अभी पानी है नहीं है खाना का थाली भी 120 में बेचा जा रहा है आपको पता है रेलवे कितने में अलाउ करता है खाना वो पनीर के सब्जी आपको दिया पनीर देते हैं पनीर की सब्जी चलिए समझ रहे हैं पनीर की सब्जी लेकिन आपका जो स्टाफ ऑर्डर लेने आता है उसको बोलना चाहिए उस वक्त कि भाई 80 की भी थाली है हाँ वो बोलता नहीं है 120 बोलता है बताइए जो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा 120 ये गलती की नहीं पनीर पनीर मेन्यू में तो है नहीं आप लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं चलिए ठीक है आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कोई बात नहीं तो उसका बिल तो आप दीजिएगा ना भाई एक्स्ट्रा पनीर का बिल दीजिएगा 120 का आपको बिल देना पड़ेगा इसके बाद थाली में आपका दही मिसिंग है स्टाफ क्या कह रहा है कि दही नहीं मिल पाएगा बताइए दही मिलता ही नहीं आपको साल में पूछवा देते हैं बीस का पानी वो भी लोकल पानी जनरल क्लास में सुपर क्लास में बेचा जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है अच्छा चलिए मेरे पास पैसा हम खरीद लेंगे कोई दिक्कत नहीं आप लोकल ही पिलाइएगा हम पी लेंगे लेकिन दूसरे के साथ ऐसा लड़के से हिसाब भी देते हैं ना 15 का ही लेते हैं हम किसी से 20 का हिसाब नहीं लेते जनरल में तो जनता खाना चलता है ना वही चलता है 40 का और 60 का जो जिसको जो रिक्वायरमेंट होता है उसको देते हैं जनता खाना तो 15 रुपये का आता है वो वाला नहीं चलता रात का बज गया है 8:10 और डिनर पेंट्री से ही ऑर्डर किया था तो अभी मंगाया था एग थाली तो एग थाली में 2 एग की एग करी है मटर आलू सोयाबीन की सब्जी 2 पराठे चावल अचार और दिन का जो दही मिसिंग था ना तो दिन का दही अभी का दही 2 दही दिए हैं बोलने पर और तब तो आपने देखा ही वही कैमरे पे क्या कह रहे थे कि दही वगैरह नहीं मिलता अब सब आ गया दही वही दोपहर का भी आ गया अभी का भी आ गया तो ये है अपनी एक थाली जो कि 90 रुपीज़ की रहती है वैसे अगर आप नहीं बोलोगे बिल वगैरह की तो यही आपको 130 की भी मिलेगी लेकिन आप बिल मांगोगे तो 90 रुपीज़ की मिलेगी ये एक थाली अब चलो पहले आलू सोयाबीन की सब्जी करते हैं ट्राई अच्छा टेस्ट है गर्मा गर्म खाना सर्व किया गया अब एग करी देखते हैं एग करी का टेस्ट भी बढ़िया है चलो फटाफट से करते हैं डिनर भाई ये लो अभी पैरेलल ओवरटेक मारा है भाई सीमांचल एक्सप्रेस ने अपनी ट्रेन को आज हमने वैसे बताया ही नहीं आपको हम लोगों की सीट कौन सी है तो सीट थी हम लोगों की साइड लोअर एंड साइड अपर और साइड अपर पे हमने देखा भाई एक मस्त फीचर ये देख रहे हो ना ICF कोच होने के बाद भी यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट तो ऊपर नहीं रहता है लेकिन यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया है आप यहाँ पर USB लगा के अपना मोबाइल आसानी से जो है यहाँ पर चार्ज कर सकते हो ये एक नया फीचर इसमें हमको ICF कोच में देखने को मिला अपर सीट जितनी भी ना यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया ये देखो यहाँ 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 दिया है ये एक नया फीचर ICF कोच में अभी इस ट्रेन में देखने को मिला है जिसमें हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं B1 कोच में आ
निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग ओल्ड दिल्ली जंक्शन। और वैसे ये ट्रेन तो जाती है कालका तक, लेकिन इसमें हम लोग यहीं तक जर्नी कर रहे थे क्योंकि यार रात में 3 बजे पहुंचाती है कालका, और रात में वैसे भी क्या ही कंटेंट बनता है ना, क्या दिखाते हैं हम आपको। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई दी, खाना अच्छा है, वॉशरूम वगैरह का मेंटेनेंस बढ़िया है, और यहीं तक हम लोग जर्नी कर रहे थे। तो चलो आज के ब्लॉग को बस यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ट्रेन लवर्स एच वाई इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन हो रही, वहीं फॉलो कर लीजिए, वहाँ सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और ब्लॉग में एक और जर्नी में, तक लेटा टा, बाय बाय।